His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. अब इनके बेटे Amenhotep III के बेटे जो है Amenhotep IV, उन्होंने उनको सक्सीड किया और उसके बाद में उन्होंने एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जो हिस्ट्री में एंशिएंट इजिप्ट के रहा वो लीड किया। क्या हुआ उस पीरियड में कि जो नए पैरोआ थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पैरोआ बोला जाता है इजिप्ट के रूलर को, तो नए जो इजिप्ट के रूलर थे उन्होंने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ द अतेन द सन डिस्क। उन्होंने जो सन डिस्क जो है, जो सूर्य है, उसकी पूजा के स्वरूप में अतेन की पूजा करने का बोला और अतेन को देवता के रूप में पूजना और उनकी पूजा को प्रमोट करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना नाम भी अकेनहतेन अतेन रख लिया, जैसे ही चेंज हिज नेम टू अकेनहतेन, उन्होंने अपना नाम भी किसमें चेंज कर लिया, अकेनहतेन में, और इसका मतलब होता है और सर्वेंट ऑफ द अतेन की, जो क्या है, सर्वेंट है अतेन का। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेनहतेन, कि उन्होंने अपनी जो कैपिटल है, अपनी जो राजधानी है, वो रिलीजियस कैपिटल भी कहां से, थेब्स से शिफ्ट करके अब नई कैपिटल कहां पे बसा ली, अकेनहतेन में, जो जिसको जो है अभी किस नाम से जाना जाता था, अमराना, अमराना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड। उन्होंने फर्दर शॉक किया, जैसा भी इसमें बताया था ना, एक स्ट्रेंजर स्पिरिट लीड किया था, किन्होंने, Amenhotep IV ने, उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके अकेनहतेन रख लिया और उन्होंने जो है अमून, जिसकी पूजा की जाती थी पहले, अब अतेन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, और अमून जिसकी पूजा पहले की जाती थी, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स, उनकी इमेजेस को तोड़ना और उनकी जो टेंपल्स वगैरह है उनको स्मैश करना, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और नए जो देव है, जो अतेन सन डिस्क, उनकी पूजा करना को उन्होंने प्रमोट किया। Smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time. ये बहुत एक बुरा समय रहा होगा. Said Ray Johnson. Ray Johnson ने ये सारी बात बताई, जो कि director थे University of Chicago's Research Center, Luxor में. The site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries, was coming to an end. And then again, Athen went a little wacky. कि अब ये जो साइट थी थेब्स की, जहां पे ये जो फैमिली थी सालों से रूल करती आई थी, वो अब क्या खत्म होने के कगार पे थी, और अकेनहतेन जो थे वेंट लिटिल वीकी, अब मतलब इस हिसाब से वो और शैतान हो गए थे, मतलब कई चीजें उन्होंने इस तरीके की थी। आफ्टर अकेनहतेन्स डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद में, अकेनहतेन की मृत्यु के बाद में, अ मिस्टीरियस रूलर नेम समेन खैकरे अपीयर्ड। अकेनहतेन की मृत्यु के बाद में एक अनजान रूलर है जिसका नाम था स्मेन खैकरी, जो उन्होंने रूल किया थोड़े टाइम के लिए, एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और थोड़े टाइम के लिए ब्रीफली उन्होंने रूल किया, फिर उसके बाद में उन्होंने कोई ज्यादा एविडेंस छोड़े नहीं कि उनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया जा सके, हिस्टोरियंस कुछ ज्यादा उनके बारे में जानते नहीं है। एंड देन अ वेरी यंग तूतानखतेन टुक द थ्रोन, और फिर उनके उसके बाद में एक बहुत यंग अवस्था में जो है यंग एज में तूतानखतेन ने इस थ्रोन को, इस राजगद्दी को, राजगद्दी पे बैठा, किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, और ये तूतानखतेन वही है जिसको टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतानखामून, इस जो ये जो राजा बना तूतानखतेन, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रखा तूतानखामून, लिविंग इमेज ऑफ अमून, और इसका मतलब होता है तूतानखामून का कि लिविंग इमेज ऑफ अमून, एंड ओवरसो अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इन्होंने ओवरशो किया वापस जो पुराने अमून की पूजा की जाती थी, फिर अतीन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा अभी हमने देखा था ऊपर, तो इन्होंने पुरानी जो रेस्टोरेशन की, जो पहले पूजा, जो जिस तरीके की जो चीज है वो फॉलो की जाती थी, वो इन्होंने नया जो रिस्टोरेशन किया उस पुराने वे का। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, इन्होंने 9 साल तक रूल किया, लेकिन उसके बाद में देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक ही जो है ये क्या मर गए। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टुट इज वन मम्मी अमंग मैन इन इजिप्ट, कि उनके फेम और स्पेकुलेशंस अनुमानों के बावजूद भी, उनकी किस्मत में क्या हुआ, कैसे उम्र है उनके बावजूद भी, टुट जो है बहुत सारे ममीज जो अवेलेबल है इजिप्ट में उनमें से एक ही है, हाउ मेनी कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अब तक 2003 के डेटा के अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन तक ऑलमोस्ट 600 जो है वो जो है खोज लिए गए थे, और अभी भी ये कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी स्कैन सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, कि नेक्स्ट फेज ये था कि उस ममी को
स्कैन किया जाना था सिटी मशीन से, जो डोनेट की गई थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी साइमंस के द्वारा। इसके मैन्युफैक्चरर जो थे उन्होंने इनको डोनेट किया था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन, और किंग टूट जो थी जो पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया जाना था बहुत सारी मम्मीज में से। इन डेथ मम्मी जो है वो इजिप्ट में बोला जाता है, जो मृत होते थे उनको दफनाया जाता था, एक लेप किया जाता था ताकि उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज ना हो, उसके कारण उनको मम्मीज बोला जाता था। आगे देखिए इसमें, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, कि डेथ हो या जिंदगी हो वो जो है रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, उनकी देशवासियों की से वो अभी भी क्या है आगे है। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टू, अब उस सिटी मशीन ने जो कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन थी उसने उस बॉडी को हेड से लेकर टू तक स्कैन किया। एक 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में टूट के हेड जो था उसको स्कैन किया गया। 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, उसके मतलब पूरी तरीके से उसका एक वर्चुअल इमेज जो है वो कंप्यूटर पर बनी। टेक्स ऑन एवरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, पूरी डिटेल जो है जो डिटेल जो थी उसकी बॉडी की वो पूरी डिटेल क्या हुई रिकॉर्ड हुई विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट विंग गॉडेसेस ऑफ ग्लाइडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। अब रेडियोलॉजिस्ट हो या फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हो, एनाटॉमी जो करते हैं वो हो, सब ने इनकी इस बॉडी को मतलब डिटेल वगैरह स्टडी करना स्टार्ट किया कि भाई किस तरीके से उनकी मृत्यु रही होगी हुई होगी, क्या क्या रीजन रहा होगा। जैसे एक अफवाह या एक इस तरीके की मान्यता थी कि द विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि उनकी जो कब्र है उसको भी एक विंग्ड गॉडेस पंख लगे एक देवी जो है उसकी रक्षा किया करती थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, कि उस रात स्कैन की रात में जो वर्कमैन थे उन्होंने टूट की बॉडी को टॉम से निकाल के एक बॉक्स में रखा, फिर उसको पाल बियरर्स उठाते हुए एक रैंप पर वो ऊपर बढ़े और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, पहाड़ जो थी स्विलिंग सैंड उड़ती हुई धूल ऑब्वियसली रेगिस्तान था, अ रैंप एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड देन रोज उन्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में रखा गया एक ट्रेलर में जहां पे सिटी स्कैनर रखा हुआ था वहां तक ले जाया गया। 20 मिनट बाद में दो मैन अमर्ज हुए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस। The million dollar scanner had quit because of sand in a cooler fan. अब दो व्यक्ति अमर्ज हुए, दो व्यक्ति आए और हुआ कुछ ऐसा कि वो जो दो व्यक्ति थे 20 मिनट बाद में sprinted for an office nearby. एक पास में ही ऑफिस था, वहां भागे, उस तरफ भागे और एक पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस के साथ में, पंखों के साथ में वापिस वहां से ऑफिस से बाहर निकले, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि मिलियन डॉलर जो स्कैनर था वो खराब हो चुका था, वो रुक गया था क्योंकि उसके कूलर फैन जो है उनमें सैंड उसमें धूल आ गई थी जिसके कारण वो खराब हो गया था। कर्स ऑफ द पैरोवा, जोक्ड गार्ड नर्वसली, वहां पे मौजूद एक गार्ड था उसने ये बात बोली एक जोक के रूप में, शायद ये क्या है श्राप है उसका इजिप्ट के जो रूलर थे उन्हीं का, जिसके कारण ये मशीन भी ऑब्वियसली खराब हो गई है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, हालांकि जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे उन्होंने सही तरीके से वर्क किया और प्रोसीजर पूरा हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न्ड इट ओवर टू द वर्कमैन, अब टेक्नीशियंस ने देखा कि कोई डाटा लूज नहीं हुआ है तो उन्होंने टूट की बॉडी को वापस वर्कमैन को रिटर्न कर दिया और उन वर्कमैन ने हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम वापिस उसके कब्र में उसको लेके आ गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस हो गई। द पैरोवा अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, अब वो जो पैरोवा था वो जो अंतिम रूलर था इजिप्ट का उसको वापिस वहीं पे उसी स्थान में वो रेस्ट कर रहा था जहां पे उसे सालों पहले दफनाया गया था प्रीस्ट के द्वारा। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ट्रेलर में जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की एस्टोनिशिंग इमेजेस जो है वो दिखाई। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर, वो जो पिक्चर्स थी बॉडी की उससे मतलब कंप्यूटर फिर उसकी शेप क्रिएट हुई और एक ग्रे हेड स्कैटरिंग पिक्चर्स से उसके हेड की शेप क्रिएट हुई। टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन,
अब टेक्नीशियन जो था उसने इस हेड को हर डायरेक्शन में घुमा के देखा कंप्यूटर के अंदर. नेक वर्ट्रीब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास. एक एनाटॉमी क्लास में जो नेक वर्ट्रीब्रे जो गले का हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से अपीयर हो रहा था, दिख रहा था. अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, दूसरी इमेजेस जो थी उसके हाथ बता रही थी. सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल, उसकी खोपड़ी हो या स्कल जो पसलियां हैं वो बन रही थी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हवा स्माइल विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग. जही हवा जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे जो इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थोड़ा रिलीव महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत नहीं हुआ. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सोया नहीं था. नॉट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं, उन्होंने कहा. आई वाज सो वरीड, मैं बहुत चिंताग्रस्त था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, बट अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊंगा और सोऊंगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड. जब तक हम उस ट्रेलर को हमने छोड़ा और नीचे जो मेटल स्टेयर से नीचे उतरे सैंडी ग्राउंड में, धूल भरे ग्राउंड में, तो जो हवाएं थी वो भी रुक गई थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. जो विंटर एयर थी सर्द भरी रात थी वो भी अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांति थी इस घाटी में जिसको किंग्स ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है, वैली ऑफ द किंग्स. जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू स्टॉर्म स्टूड ओरियन, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Ketut ki body ke paas mein hi Orion khade the, aur aisa manyata thi Egypt mein ki jo Osiris hai, Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, jinko mana jata hai Osiris ko, jo mrityu ke baad ke devta hai. वो क्या कर रहे थे, वो बॉय को एक इमेज बनी हुई थी, एक मूर्ति रूप से वहां पे बनी हुई थी और वो क्या कर रहे थे, वाचिंग ओवर द बॉय किंग, उस राजा, उस वो जो लड़का था क्योंकि कम अवस्था में मृत्यु हुई थी उसकी, तो उस बॉय किंग को देख रहे थे. ये टूट का जो आपका डिस्कवरिंग द टूट द सागा कंटिन्यूज आपका चैप्टर पूरा हुआ. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जिसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे एक क्वेश्चन इसका बन सकता है जैसे टूट की बॉडी जो थी, टूट्स बॉडी वाज बुरिड अलोंग विद ग्लाइडेड ट्रेजर्स, क्यों, रीजन बताइए इसके, जिसमें हमने देखा था बहुत सारे जो थे गोल्ड प्लेटेड बर्तन वगैरह या कई सारी चीजें दफनाई जाती थी जो ममीज होती थी उनके साथ में जो मृत होते थे. क्यों, क्योंकि वहां पे ऐसी मान्यता थी कि उनकी आफ्टर लाइफ में काम आएगी. तो उसी सारी मान्यताओं के कारण जो है ग्लाइडेड ट्रेजर जो था टूट की बॉडी के पास में मिला और उसके साथ में दफनाया गया था. और ऐसा वहां पे जो राजा लोग होते थे उनके मृत्यु के बाद में जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ में बहुत सारी चीजें, बर्तन वगैरह जो गोल्ड प्लेटेड वगैरह होते थे, बहुत कीमती कीमती धातुओं, कीमती मेटल्स, वो भी दफनाए जाते थे. आगे इसमें बन सकता है ये क्वेश्चन कि द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूतना खातिन टू टूतना खामून, ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने पुराना जो ऑर्डर था वो वापस उन्होंने लागू किया था जिसमें हमने देखा था अतीन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, अमून की पूजा की जाती थी पहले, लेकिन वापिस इन्होंने फिर क्या करना स्टार्ट किया, जो टूट थे इन्होंने अपना नाम भी जो चेंज कर दिया टूतना खातिन से टूतना अमून कर दिया. और इस तरीके से ये सारे रीजन है इसमें. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें. ये वीडियो आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा और ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 11th की. अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा. एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. थैंक यू.